आज रात के एपिसोड में रंगोली टास्क के दौरान श्रीशांत और करणवीर बोहरा के बीच रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आए। शो की तरफ से जारी आज रात के एपिसोड में टीजर में श्रीशांत और करणवीर का झगड़ा नजर आया। श्रीशांत ने करणवीर बोहरा के ऊपर अपने नाखून से मारने का आरोप लगाया। वह इस बारे में शिवाशीष से करणवीर की शिकायत करते हैं। बाद में श्रीशांत ये कहते नजर आते हैं कि करणवीर सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे। श्रीशांत करणवीर को टास्क छोड़कर बाहर आने के लिए कहते हैं। बाद में वह उन्हें बताते हैं कि वह उनके सामने इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि करणवीर श्रीशांत से डरते हैं। श्रीशांत विकास गुप्ता के साथ भी लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, श्रीशांत विकास के ऊपर चिल्लाते भी हैं। उतावले होते नजर आए श्रीशांत फिर से करणवीर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वह इसके लिए शर्मिंदा नहीं है, जिसके जवाब में करणवीर उन्हें बताते हैं कि वह अपने टास्क की जांच कर ले। दोनों के बीच झड़प होती है जिसमें श्रीशांत करणवीर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह झूठे हैं। करणवीर के मुताबिक श्रीशांत को उनकी वजह से नहीं बल्कि लड़कियों के कारण चोट लगी है। श्रीशांत ने विकास गुप्ता को भी दोषी ठहराया क्योंकि यह उनका नाखून भी हो सकता था। टीजर में दिखाया गया कि श्रीशांत आग बगुला होते हुए करणवीर पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं जिसमें वह कहते हैं कि तुम बीच के हो। हालांकि रोमिल शांति बनाने की कोशिश करते मगर श्रीशांत अपनी बातें जारी रखते हैं और करणवीर को धमकी देते नजर आते हैं। इस बार दीपिका कक्कर करणवीर के समर्थन में आती हैं और श्रीशांत को रोकने की कोशिश करती हैं। श्रीशांत दीपिका को भी झूठ कहते हैं। श्रीशांत का मूड स्विंग जारी रहा। उन्होंने खुद से ही शिंदे के परिवार को ज्वाइन कर लिया है जिसकी मुखिया शिल्पा शिंदे हैं। करणवीर और दीपिका के अलावा श्रीशांत विकास गुप्ता के ऊपर भी बरसते नजर आए। टास्क के दौरान श्रीशांत को इतना गुस्सा आया कि वह विकास गुप्ता को बदतमीज इंसान भी कहने लगे। हाय एवरीवन, क्या आपने योयो टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप।